अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जनाब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में तकरीबन मेरे पास 8-1 चीज़ें हैं, जिसमें मेरे पास फ्रिज है, कुकिंग रेंज है, माइक्रोवेव ओवन है, एसी है, उसके बाद जनाब मेरे पास एयर कूलर है, यानी टोटल 8 चीज़ें हैं। यार आप लोगों से मैंने रिक्वेस्ट करनी थी, आप मेरी वीडियो तो देख लेते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखते हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपके एक सब्सक्राइब से कुछ नहीं चला जाता लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट हो जाती है, ठीक है जी, और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो काइंडली मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें। अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ठीक है जी। सिटी का नाम और प्राइस रेंज मेंशन करें, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों की डिमांड पूरी करूँ, ठीक है जी। तो जनाब चलें आज का वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास 2 माइक्रोवेव ओवन हैं, लाहौर से ये दोनों माइक्रोवेव ओवन हैं। पहले वाला जो ऊपर वाला है वो थोड़ा सा डैमेज है लेकिन नीचे वाला बिल्कुल ठीक है, पिक्चर एक ही है, लेकिन कोई बात नहीं। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मौजूद है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रابطہ कर लें अगर आपको ये पसंद आते हैं। प्राइस रेंज इन दोनों का जनाब उन्होंने 6000 मांगा हुआ है, ठीक है जी, दोनों का 6000 मांगा हुआ है। लाहौर में ये मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक हो गया। लाहौर में मौजूद है, 6000 मांगा हुआ है। कंडीशन वाइज फर्स्ट वाला थोड़ा डैमेज है, सेकंड वाला जो है वो 8x10 कह सकते हैं। प्राइस रेंज सिर्फ और सिर्फ 6000, ठीक हो गया। नंबर 2 पे फ्रेंड्स मेरे पास डॉलेंस का माइक्रोवेव ओवन है, बेकिंग और ग्रिलिंग वाला, कराची में ये मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 8x10 है। प्राइस रेंज फ्रेंड इसका उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5000 मांगा हुआ है। नंबर इनका दोस्तों कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। कराची में ये इस वक्त मौजूद है, फिर रिपीट करती चलूँ, कराची में ये मौजूद है, 5000 इसका मांगा हुआ है, कंडीशन वाइज 8x10 है, ठीक हो गया जनाब। नेक्स्ट जनाब मेरे पास 5 बर्नल वाला कुकिंग रेंज मौजूद है, ये कुकिंग रेंज कराची में मौजूद है, कराची वाले इसको परचेज कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 7x10 है। प्राइस रेंज इसका 20000 मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। अगेन रिपीट कर दूँ, कराची में ये मौजूद है, 20000 इसकी डिमांड है, कंडीशन वाइज 7x10 है, ठीक है जी। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है। एक और चीज़ रिपीट करती चलूँ कि अगर मैंने 20000 कह दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि 20000 में ही ये सेल करेंगे, नहीं, आपकी जो डिमांड है, आपकी जो आपका जो बजट है, आप उस बजट को लेके अगर आपको चीज़ पसंद आती है तो बात ज़रूर किया करें, क्या पता आपका आपकी डील बन जाए, ठीक है जी। नेक्स्ट फ्रेंड मेरे पास फ्रिज मौजूद है, ठीक है जी, एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा में ये मौजूद है, एबटाबाद खैबर पख्तूनख्वा वाले इसको परचेज कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 9x10 है, नीट क्लीन साफ़ सुथरी। प्राइस रेंज थोड़ी सी ज़्यादा इन्होंने मांगी हुई है, 55000 इसका मांगा हुआ है, 55000। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। लार्ज साइज़ का ये फ्रिज है, खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद में ये मौजूद है। फ्रेंड मेरे पास अगेन डॉलेंस का रूम फ्रिज, मिनी फ्रिज जेलम से मौजूद है, जेलम पंजाब में ये मौजूद है, जेलम वाले इसको परचेज कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 9x10, नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी। प्राइस रेंज इसका जनाब उन्होंने 25000 मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रابطہ कर सकते हैं। एक तो होता है ना बिल्कुल ही मिनी साइज़, ये मिनी साइज़ नहीं है, थोड़ा मीडियम साइज़ है, लेकिन ये भी रूम फ्रिज ही है, ठीक है जी।
नेक्स्ट फ्रेंड मेरे पास एसी मौजूद है लाहौर से, ठीक है जी। डीसी इन्वर्टर नहीं है, स्प्लिट एसी है, लाहौर में ये मौजूद है। कंडीशन वाइज 6x10 है। प्राइस रेंज इसका जनाब उन्होंने 20,000 मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। कूलिंग कंडीशन ओके है, जिसको भी पसंद आए लाहौर में ये मौजूद है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके इनसे रब्ता कर सकता है। नेक्स्ट अगेन मेरे पास एसी है, ओरिएंट का ये एसी है, डे टर्न का एसी है, स्प्लिट एसी है, फैसलाबाद में ये मौजूद है। फैसलाबाद वाले इसको परचेज कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 8x10 है। प्राइस रेंज इसका 25,000 मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। फैसलाबाद में ये इस वक्त मौजूद है। मेरे पास दोस्तों एयर कूलर मौजूद है, ये एयर कूलर मुल्तान में मौजूद है। मुल्तान वाले इसको परचेज कर सकते हैं। कंडीशन वाइज 6x10 है। प्राइस रेंज इसका 5,000 मांगा हुआ है। नंबर इनका कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। मुल्तान में ये इस वक्त मौजूद है, ठीक है जी। मुल्तान वाले इसको परचेज कर सकते हैं। लास्ट पे फ्रेंड मेरे पास एयर कूलर मौजूद है, ठीक है जी। ये एयर कूलर लाहौर में मौजूद है, लाहौर वाले इसको परचेज कर सकते हैं। फुली लार्ज साइज का एयर कूलर है, जंबो साइज का एयर कूलर है। कंडीशन वाइज 8x10 है। प्राइस रेंज इसका जनाब उन्होंने 15,000 मांगा हुआ है। नंबर इनका फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में मेंशन है, कमेंट सेक्शन से नंबर लेके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। एंड पे जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी दिल से कि यार अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो उन लोगों तक पहुंचाएं जो न्यू अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसको जो चीज़ चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं उसकी वो डिमांड पूरी करूं। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकअल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।